शुभ कार्य मुहूर्त पर करना जरूरी है, जल्दी से बुलाइए। वो ऊपर क्या कर रहा है? भैया आते ही होंगे माँ। बहन जी देर हो रही है। सुबह सुबह कहाँ चला गया? आज उसका जन्मदिन है ये भी भूल गया? आने दो इसको। माँ मैं यहाँ हूँ, नहा रहा था। पूजा का समय हो गया। ठीक है माँ। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेदाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युंजय आयुषोम प्रसाद फल सिद्धिरस्तु प्रतिष्ठति। हमेशा खुश रहिए मालिक। खुश रहो बेटा, तुम्हें हर खुशी मिले। शुक्रिया साहब। अरे ऐसे गंदे कपड़े पहनकर क्यों आया है? अरे ऐसे नहीं आऊं तो कैसे आऊं, इसने मुझे मारा था। अरे भाई कुमार ने मारा? कुमार तो यहाँ घर पे जन्मदिन मना रहा है, तो फिर तुझे कब मारा? सुबह सुबह जब मैं सो रहा था तभी मेरे साथ इसने मारपीट की, और यहाँ आकर अपना जन्मदिन मना रहा है। गांव वालों के हाथ पैर तोड़कर पंडित से हवन करा के तुम खुशी से जी पाओगे? क्या बोला मैं? अरे सही बोला, इसने मुझे क्यों मारा था बताओ? मुंह बंद कर अपना। कुमार बिना वजह किसी को भी नहीं मारता है, समझे? क्या गलती की तुमने? अरे मैं कोई भी गलती करूं मुझे मारने वाला ये कौन होता है? न्याय करने वाला। मालिक मैंने यहाँ आकर तकलीफ दी इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं कोई और नहीं मालिक, इस गुनहगार की पत्नी हूँ। इसके लिए मैं काफी नहीं थी, इसलिए गांव के बाहर इसने एक रखेल रख ली। शुरू शुरू में ये अपनी कमाई मुझे देता था, बाद में घर की सारी चीजें उठाकर उस औरत को दे दी, और कल रात को ये मेरी बेटी की चांदी की पायल चुरा कर ले गया। सिर्फ पायल ले गया होता तो कोई बात नहीं थी, मेरी बेटी को जंगल में कहीं छोड़ कर आ गया। इसने मेरे पैसे छीन लिए और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। ये बात मैंने मालिक को बताई और मालिक गुस्से में आ गए और सुबह सुबह इनके घर जाकर इनकी पिटाई की। मालिक की कोई गलती नहीं है। क्यों रे, अपने आप को बहुत चालाक समझता है क्या? तू हमारे यहाँ जन्मदिन की पार्टी खराब करना चाहता है? मैं तुझे पंचायत में घसीटूंगा। धर्मराज। जी मालिक। इसको पकड़ के पंचायत में ले आओ। चल भाई, तुझे पंचायत में सारे जवाब मिलेंगे। हाँ चलो चलो। मेम साहब, बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया। कौन बच्चा है? वो जो खड़ा है वो बच्चा है क्या? पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने वाला बड़ा आदमी है वो, उसे आप बच्चा कहते हो? अगर किसी का भलाई करना था तो गांव के किसी बड़े से बात करनी चाहिए थी ना। मारपीट क्यों की? इसकी लंबी उम्र के लिए पंडित को बुला के हवन करा रही हूँ और कोई आके बद्दुआ दे जाता है? मेरी बात ध्यान से सुनो, छोटे बच्चों की तरह मारपीट करना छोड़ दो।
और किसी की बातों में आइंदा टांग अड़ाया तो समझ गया ना तू? जवाब क्यों नहीं देता? मैं यहाँ चिल्ला रही हूँ पर ये जवाब भी नहीं दे रहा है। रुक अब ये बताती हूँ। अरे नहीं नहीं देखो मारो नहीं। माँ को डराता है। नहीं मारो इसे पकड़ो। थोड़ी भैया बदमाश करता है। माँ को डराता है वो। क्यों री सुबह 6 बजे गई थी और अब आ रही है? देखा आपने कैसे मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर ही चली गई? हाँ ऐसे ही जाएगी क्योंकि वो मेरी बेटी है। कहाँ जा रही हो दीदी? तुझे क्या करना है? चल हट। सुबह सुबह मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं देखूंगा। तुम कहीं भी जाओगे मैं सामने आऊंगी। चुपचाप अपनी आंखें खोल के देखो। हे भगवान अपनी आंखें खोल के देखो ना। ए कहां चली गई? मीना 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 छोड़ मुझे। अरे छोड़। ए मीना तेरा दिमाग खराब है क्या? किसी लड़के को ऐसे ही गले लगाते हैं क्या? लड़की लड़के से ही गले लगेगी ना और जिससे शादी होनी है उससे लिपटने में मजा आता है। इधर आ बताती हूँ। छी मैं तेरे साथ रहूंगी तो मैं भी बिगड़ जाऊंगी। मुझे माफ करना। ए रुकना छोड़ मुझे। जी तेरा मेरे बेटे को स्मॉल पॉक्स हुआ था इसलिए हम तुम्हारे जन्मदिन पे नहीं आ पाए इसलिए अब आए हैं। ये लो। कोई बात नहीं आप आए यही खुशी की बात है। अरे मीना नहीं आई क्या? दीदी तो सुबह ही आ गई थी। ये बात इन्हें कैसे पता होगी? कुमार से पूछो उसे पता है। भीना बुआ बेटा ये ले जाओ आप बैठिए। अरे हम ठीक है। क्यों भैया आप तो इस घर के दामाद है ना फिर भी आप कभी बैठते नहीं? मैं इस घर का दामाद हूँ ये याद है मुझे लेकिन मैं कभी इस घर का नौकर भी था ये बात मैं अब तक भूला नहीं हूँ। इसे अलमारी में रख दो। ठीक है साहब। क्या है ये सुबह सुबह मुझे परेशान कर देती हो? तो क्या करूं मैं कितने प्यार से तुमसे मिलने आई थी लेकिन तुमने कह दिया कि सुबह सुबह मेरी शक्ल नहीं देखोगे। तो और क्या तुम्हारे पिताजी जन्मदिन पर नहीं आए लेकिन तुम क्यों नहीं आई? मैं तो आना चाहती थी लेकिन पिताजी ने आने से मना कर दिया। कुछ भी हो लेकिन तुम नहीं आई ये गलत बात है। तो एक काम करते हैं मैं नहीं आई उसके लिए मैं तुम्हें एक पप्पी देती हूँ और मेरा चेहरा नहीं देखोगे ऐसा कहा था ना इसलिए तुम मुझे पप्पी दे दो। अच्छा आइडिया है। पिताजी मैंने इस घर में बेटा बनकर जन्म लिया है इसलिए ये हार पहनाया है। जी कैसे इंसान हो तुम? जब तक जिंदा रहे तब तक तांडव करते रहे और मरने के बाद भी चुपचाप खड़े रहो। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे मरने के बाद मुझे शांति मिलेगी पर तुमने ये क्या कर दिया? अपने ही जैसा एक गुण में रंग में कद में
और शक्ल में एक पोता भेज दिया, इससे तुम्हें खुशी मिल गई क्या? क्या पता अब वो किस नारियल के पेड़ पे चढ़ा होगा या कौन सी इमली का पेड़ हिला रहा होगा। दादा! आ गया हनुमान रावण को ढूंढने, ये सब तुम्हारी करतूत है। क्यों दादाजी, आज फिर आप अपने आप से बातें कर रहे हैं। तू पहले मेरे सवाल का जवाब दे। बिना सवाल सुने जवाब कैसे दूं? बिना सवाल के जवाब नहीं देगा तो क्या जवाब दूं? तू कहां से आ रहा है? मैं दूसरों के पेड़ों से 5-6 नारियल तोड़ के आ रहा हूं। नारियल तोड़ के आना कौन सा बड़ा अच्छा काम है? तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो? क्या नहीं जानता? किसी को जब नारियल तोड़वाना होता है ना तो वो सीधा मेरे पास आता है, दांतों से तोड़ देता हूं। अरे बुढ़ऊ, तुम रोटी ठीक से चबा नहीं सकते, नारियल क्या तोड़ोगे? तू जानता नहीं है लोग मुझे नारियल तोड़ू के नाम से जानते हैं। सारे गांव वाले थूक रहे हैं, मैं भी तुम्हारे जैसा ही रहूंगा, तुम्हारा वारिस होना। तो वारिस और नारियल की तो बात मत करना, पहले मेरे जैसा त्याग कर उसके बाद करना। दादा बोल। उस जमाने में आपने त्याग करके देश को आजादी दिलवाई थी ना? सही नहीं किया? नहीं। हाँ हाँ, मतलब वो क्या है ना, मैं तुम्हारी तरह त्यागी बनने के लिए वापस अंग्रेजों को यहाँ पे बुलाकर लड़ाई करके उनसे मार खा के तुम्हारी तरह अपनी सारी जायदाद बेचकर त्यागी बनके मैं सड़क पर भीख मांगने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आइए आइए, गन्ना खरीदिए, शहद से भरे, बहुत मीठे। हाँ ले लेते हैं, बहुत अच्छे गन्ने हैं, बहुत सस्ते में दे रहा हूँ। पैसे तो मैं घर पर ही भूल कर आ गया यार। कुमार गन्ना खरीद के दो ना, मुंह मेरा पापा पानी पानी हो रहा है। हाँ। अरे गन्ना खाएगा तो दांतों से खून निकलेगा। अच्छा दांत से खून निकलेगा, ये बात ब्रश नहीं करने वालों को पता, मैं तो चिकन की हड्डियां तक साबुत चबा जाता हूँ, उनकी बात तू रहने ही दे। एक गन्ना खरीद देना यार। एक गन्ने का सिर्फ 5 रुपया। 5 रुपए? क्यों भाई, गन्ने का भाव बता रहे हो या लोहे का? अरे मेरा गन्ना लोहे जैसा है, चाहो तो भी नहीं तोड़ पाओगी। तोड़ दिया तो? तोड़ दिया तो एक गन्ने के साथ एक गन्ना मुफ्त। सच कह रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अभी आती हूँ। चल जा। अरे गन्ना खरीद के देगा या नहीं तू मेरे दोस्त? इसे खा ले। मेरे साथ चलो ना। अरे इसको कहाँ ले जा रही हो? वो आदमी है ना, गन्ना हाथ से तोड़ने पर एक गन्ना मुफ्त में देगा। अच्छा हाँ। तुम एक काम करो, इसे साथ में ले जाओ, ये चिकन की हड्डियाँ भी खा जाता है। ए, जाना इसके साथ। ए भाई कमजोर आदमी से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे तू जाके गन्ना तोड़ देना, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो मैं लेके चलूंगा हॉस्पिटल। चलो ना कुमार। आओ बहन आओ, तोड़ के दिखाओ। लाओ लो, तोड़ो इसे। वेरी गुड, कमाल कर दिया। सिंगम है तू, मुझे पता था तोड़ देगा। जरा रुकिए बहन जी, अगर इसी तरह 3 गन्ने एक साथ तोड़ दिया ना तो मैं 30 गन्ने मुफ्त में दूंगा। गन्ना चोरी करके लाया क्या? हाथ में क्या है पता है ना? क्या है? इससे तेरी गर्दन उड़ा के रख दूंगा। कुमार 30 गन्ने? मैं पैसों से 300 गन्ने दिलवा दूंगा, मुझे माफ करो मीना। अरे कैसा मर्द है तू, लड़की गन्ना तोड़ने के लिए कह रही है और तू मना कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं आती? मेरे होते डर रहा है तू? तू तो बहुत बड़ा कुमार, तुम्हें तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है तोड़ दे भाई, तोड़ दे। क्या ये गन्ना मैं तोड़ रहा हूँ, तू क्यों चिल्ला रहा है? अरे तूने मेरा पैर तोड़ दिया इसीलिए चिल्ला रहा हूँ, जोर लगा के तोड़ना। रुको कुमार। तुम्हारे भैया कहाँ है? वहां देख जाकर। हाथ तोड़वा दिया मेरा, चुड़ैल है चुड़ैल, बहुत दर्द हो रहा है माँ, ओह दुख रहा है। क्या हुआ तुम्हें, दर्द ज्यादा हो रहा है? हाथ छोड़ो मेरा, यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ हाथ ज्यादा टूटा है या कम टूटा है ये देखने आई हूँ। अरे बेवकूफ, तुझे तो रुक, कविता कविता पकड़ो इसे। अरे रुक, जाती का है, पकड़ इसे। गन्ना तोड़वाने के बहाने हाथ तोड़वा दिया और ऊपर से मजाक उड़ा रही है। पूरे गांव वालों के सामने अपने कुमार को ले जाकर गन्ना तोड़वा कर उसकी हिम्मत दिखाई है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी हाथ तोड़वा सकती हूँ। जाकर कपड़े पहन कर आ। ए पागल, मेरा शर्ट क्यों पहना है? पागल कहा तो, चप्पल से मारूंगी। इतनी हिम्मत, चप्पल से मारेगी? ए ए ए, ए, ए अरे अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? रुक जा, ए सुधा रुक जा, मारा ही नहीं और चिल्ला। ए क्या किया तूने?
माँ मैंने कुछ नहीं किया है, ये नाटक कर रही है। मालकिन ये बालिक हो गई है। क्यों रो रही हो माँ? चल जा। पैसों के साथ साथ 10 तोला जेवर, सिल्क की साड़ी, डाइनिंग टेबल, एक पलंग और एक अलमारी, सब मिलाकर कविता के फंक्शन के लिए 125,000 रुपए लगेंगे मालकिन। सुनो बहन, उस दिन जब मेरे जीजा जी की बेटी बालिग हो गई थी तो आपने 101 रुपए दिया था, आज उसकी बहन बालिग हो गई है तो उसके लिए 200 रुपए दे दीजिए ना। एक लड़की के लिए इसने 125,000 रुपए खर्च किए तो सबके लिए करेगी क्या? इच्छा तो है, मेरे पास कितना पैसा है ये तो मुनीम जी ही बता सकते हैं। सिर्फ 50,000 रुपए है। ये बड़ी रकम है क्या? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बड़ी रकम है, अगर इकट्ठा भी करूँ तो 25,000 जमा कर सकता हूँ, लेकिन 125,000 के लिए काफी वक्त लगेगा। तुम क्यों परेशान होती हो? जब फंक्शन का वक्त आएगा तो देखा जाएगा। एक काम करता हूँ, कल मैं और कुमार जाकर उससे मिलते हैं, कहेंगे फंक्शन की तारीख आगे बढ़ाओ। मुझे नहीं चाहिए बेटी, कुमार को मटन खिलाओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए। कुमार को मटन खिला खिला कर पटाना चाहते हो? क्या करें चाचा जी, एक नहीं दो लड़कियां बालिग हो गई हैं, एक को तो खाली हाथ भेजना पड़ेगा ना। खाली हाथ क्यों भेजूंगा, मेरी बेटियां जब ससुराल जाएंगी तो दहेज पूरा गांव देखेगा। अरे तुमने दहेज का नाम लिया तो याद आया, मैं यहाँ क्यों आया हूँ बताता हूँ। सुनो, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है इसलिए तुमने फंक्शन रख दिया, लेकिन वो लोग फंक्शन बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं, इसलिए तुम एक काम करो, लड़की के सिर पे पानी डालकर घर के अंदर ले जाओ। फंक्शन हम लोग कुछ 4-5 महीने के बाद कर लेंगे। यह नहीं हो सकता, मैंने तारीख तय कर दी है। तय करने वाले तुम कौन होते हो भाई? तारीख तय करना, आगे बढ़ाना, ये तो उसकी मामी का हक है ना। हक फंक्शन मनाने में जताओ, फंक्शन आगे बढ़ाने में नहीं। इज्जत से बात करो। चाचा जी इन्हें रखने दो अपनी तारीख, हम लोग तैयार हैं। आओ भाई आओ। नमस्ते। बैठो बैठो, ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। कॉफी पियोगे? प्रिया देखो यहाँ कौन आया है, 2 कप कॉफी लेकर आओ। अब बताओ भाई। अचानक कुछ जरूरत आन पड़ी है, मुझे खेत के पेपर पर 2,00,000 रुपए कर्जा चाहिए। भाई जब मैं इस शहर में नया नया आया था उस वक्त यहाँ के लोग बहुत ही बदमाश थे, कब क्या हो जाए यही डर लगा रहता था। तब तुम्हारे पिताजी ने मुझे हिम्मत दी और मेरी मदद की थी। बुरे वक्त में मेरी मदद करने वाले के बेटे से मैं पैसों की सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे खेत के पेपर गिरवी नहीं रख सकता। तुम पैसों के लिए मुझे शर्मिंदा मत करो। दुख तो सभी को आता है और ये मुझे भी आया है। कल को अगर मैं आपके पैसे वापस नहीं चुका पाया तो आप इस जमीन को बेच सकते हैं, इसलिए आप इसे गिरवी रख लीजिए। ठीक है, 1% ब्याज लूंगा। 1%? मैंने तो 3% सुना है। वो तो मैं बाहर के लोगों से 3% लेता हूँ, पर तुम तो मेरे बेटे जैसे हो ना। अरे सुनो भाई, किसी के मामा ने इतना नहीं दिया होगा। बातें करना छोड़ो और ये बताओ कि घर में ये सब रखने की जगह है या नहीं। ए बेटा, तुम मामा हो, आशीर्वाद दो से। दीदी कुमार ने इसे हार पहना दिया, तू तो गई। ठीक है तो दोनों से शादी कर लूंगा। कुछ भी बोलो, वो बहुत जिद्दी है, कुमार ने तो कमाल ही कर दिया। बाप की जायदाद गिरवी रख के किया तो कौन सी बड़ी बात है। रुको कुमार, रुक जाओ कुमार, कुमार कुमार रुक जाओ, कुमार कहाँ जा रहे हो, कुमार रुक जाओ, कुमार रुक जाओ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम्हारे पिताजी खुद को समझते क्या है? पता है उस दिन जब फंक्शन आगे बढ़ाने की बात की थी तब भी बेइज्जत किया था, मैं कितनी मेहनत से यह फंक्शन कर रहा था और आज भी वही किया। अब मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। एक बात बताओ, आज तुम मेरे पिताजी के लिए आए थे या मेरे लिए आए थे या मेरी बहन के लिए आए थे? तुमने फंक्शन इतनी अच्छी तरह से किया इसलिए वो भी खुश थी। तुम जिसके लिए आए थे वो लोग तो खुश है ना, फिर तुम क्यों नाराज होते हो? चलो छोड़ो। चलो कुमार, बहुत भाव खा रहे हो, बैठो यहाँ। पता है तुम्हें यहाँ क्यों लाई हूँ? क्यों लाई हो? तुम सिगरेट पीते हो? ए,
सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक होती है पता है ना? दुखी आदमी धुआं उड़ाकर दर्द दूर करता है। ए, मजाक कर रही हो क्या? नहीं कुमार, एक मर्द को दिन में 4 सिगरेट पीनी चाहिए, तुम पियो ना। ठीक है, एक दिन पियूंगा। नहीं अभी पियो। अभी यहाँ पर सिगरेट कहाँ से लाऊंगी? ये रही। ए, तू सिगरेट कहाँ से लाई? ये मैंने अपने लिए रखी थी। तेरी तो? नहीं कुमार, तुम्हारे लिए लाई हूँ, पियो ना कुमार, पियो ना। ए, क्या हुआ? मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। खुशबू पसंद है? तेरी तो अभी पता था। रुक, अरे रुक। आ, आ, वाह दादाजी, सर पर मालिश कराने में बहुत अच्छा लग रहा है। अरे 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 बाप रे, अरे रुक जाइए, क्या कर रहे हैं दादाजी? अरे रुके, अरे क्या रुके, अरे रुके ना। क्या हुआ? अरे मारना ही है तो कारण बता के मारिए ना, ये पठानों की तरफ पीछे से क्यों मार रहे हैं? अरे रे रे रे, तेल सर पर लगाएगा तो पहलवान की तरह सीना तान के चल पाएगा। अगर किसी ने ऐसी हालत में देख लिया तो यही कहेगा कि दादा ने पोते को अच्छी तरह से नहीं पाला है। दादाजी, दादाजी आज क्या खास बात है जो इतनी सेवा कर रहे हैं? बहुत समझदार है। ए, तेरी आंटी की बेटी विमला है ना, मैं तेरी शादी उसके साथ करवाना चाहता हूँ। तू शादी की बात मत करना दादाजी। रे, मैंने एक विदेशी लड़की से शादी करने का फैसला किया। विदेशी से? हाँ विदेशी। टांगे तोड़ दूंगा, लंगड़ाते हुए करूंगा। चैलेंज? हाँ चैलेंज। सच कह रहा है? हाँ एकदम सच। बाद में देखेंगे। कब? नहाने के बाद मदुराई जाकर राजू बिल्लू और अरुण के घर से होकर आओ। वो क्यों? वो लोग आज पोरबंदर जा रहे हैं इसलिए। ये बोलने जाओ कि नहीं जाए? तू बोलेगा तभी तो वो लोग आएंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये पोरबंदर है क्या? तू पोरबंदर भूल गया? पता होता तो भूलता। नालायक, वो गांधी जी की जन्म भूमि है। उस गांव की थोड़ी सी मिट्टी, उन लोगों से कहना कि वो मेरे लिए लेकर आए। मिट्टी? हाँ। किस लिए? मैं उसकी पूजा करूंगा। दादा दादा, अरे चिल्ला क्यों रहा है? आंखें जल रही है। जल रही है? ठीक है मैं पानी डालता हूँ, बैठ। पिछले साल नाच गाने का प्रोग्राम नहीं रखा था, इसलिए छोटे बच्चे नाराज हो गए। इस बार नाच गाने का प्रोग्राम रखना ही पड़ेगा। मेरी बात सुनो, इस बार तुम लोग कुछ भी सोचो लेकिन अच्छा ही सोचना। तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? हाँ, अपने गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए 10वीं तक स्कूल है, लेकिन लड़के लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए रोज 6 किलोमीटर साइकिल चलाकर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। पहले उसका हल निकालना पड़ेगा हमें। हल का निकालना है? 5 लोग भरेंगे तो आगे की पढ़ाई हो जाएगी। पैसा भरने से कुछ नहीं होगा, आगे की पढ़ाई की परमिशन लेना कोई साधारण बात है क्या? आप तो कुछ कर सकते हैं ना? हाँ कर सकता हूँ। बगल के गांव में एक वेदचरण नाम का आदमी है। गुलामी के वक्त के समय से ही उसके अंग्रेजों से बहुत अच्छे संबंध थे और उन्हें खास अधिकार भी मिला था। आज भी उस अधिकार की अहमियत है, हम उससे कह सकते हैं। तो फिर कहो ना। क्या मतलब, ऐसे कैसे कह सकते हैं? उन्हें सम्मान के साथ कहना पड़ेगा। गणतंत्र दिवस के दिन अगर हमारे स्कूल में वो झंडा फहराएंगे तो अच्छा लगेगा ही ना। ऐसा कैसे हो सकता है, हर साल हमारे कैंप वाले दादाजी झंडा फहराते ना। इस साल नहीं फहराएंगे तो झंडा नहीं फहरेगा। क्यों चाचा जी, स्कूल की बजाय घर में झंडा फहरा रहे हो? स्कूल में? वहां तो कोई और झंडा फहरा रहा है। तो किसी और के कारण आप नहीं जाएंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। झूठ बोल रहे हैं ना, और कोई झंडा फहरा रहा है इसलिए आप नहीं जा रहे हो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बेटा। तो बताता हूं, आजादी से पहले अंग्रेजों ने हम पर अत्याचार किए, लाठियां चलाई, हम पे टियर गैस छोड़ी। हे भगवान, वो अत्याचार मैं अभी तक नहीं भूला हूं। आज जो झंडा फहरा रहे, उन लोगों ने अंग्रेजों का उस समय पर साथ दिया था, और आज इस आदमी को देखो देशभक्तों ने का नाटक कर रहा है। वो आदमी झंडा फहराने के लायक नहीं है, और अगर उसी आदमी को झंडा फहराने दिया जाएगा तो मैं ये कैसे देख सकता हूं बेटा? ये क्या बोल रहे हैं आप, उसने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था, सच कह रहे हैं आप? कॉल अटेंशन, स्टैंडिंग अटेंशन। ये भाई,
क्या बात है? ये झंडा चाचा जी फहराएंगे, ये नहीं फहराएगा। वो तो हर साल ही फहराते हैं ना, इस साल इन बड़े साहब को झंडा फहराने के लिए हम लेकर आए हैं। साहब को लेकर आओ या फिर किसी और को लेकर आओ, ये झंडा नहीं फहरा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? आप इसके बारे में नहीं जानते, चाचा जी ने बताया कि आजादी की लड़ाई के वक्त इसने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसलिए अंग्रेजों ने इसके ऊपर वो मेहरबानी की थी। भाई वो सब रहने दो, पहले झंडा फहराने दो। क्यों सर, आप भी तो आजादी के बारे में बताते हैं ना सर, अधिकार तो अंग्रेजों ने दिया था ना। बात करके कोई फायदा नहीं है, बताओ बच्चों ये झंडा इसे फहराना चाहिए या फिर चाचा जी को? चाचा जी को, 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 चाचा जी को। चलिए चलिए ना। मुझे ये सोच सोच के बहुत घबराहट हो रही थी कि हमारे भारत का भविष्य न जाने कैसा होगा। भारत का भविष्य कोई और नहीं है बल्कि तुम हो। तुम लोग छोटे हो पर कोई बात नहीं, हमेशा बच्चे नहीं रहोगे, एक दिन तुम ही देश का भविष्य बनोगे, इसलिए देश के बारे में सोचना शुरू करो। जय हिंद। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इस घर का नौकर था और ये भूला नहीं हूँ मैं। गांव वालों ने मुझसे इज्जत देकर राय ली थी इसलिए मैंने राय दी। गांव वाले मेरी बात मानते हैं और अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं थी तो बोलना चाहिए था, उसकी वजह से सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? मामा जी मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था, वो झंडा नहीं फहराया इसलिए मैंने ऐसा किया। ए तूने बेइज्जती की होगी तभी ये यहाँ आकर बोल रहे हैं, पहले इनसे माफी मांगो। छोड़ो बहना, बड़े घर का लड़का है, गाँव का मुखिया बनने की इच्छा हो रही है, कहीं कोई और न बन जाए ये डर लग रहा है तुम्हें? नहीं मामा जी, मुझे पता है कि मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ और ये भी पता है कि मुझे ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उस आदमी के साथ मेरे कितने अच्छे संबंध है पता है? तुम्हारी इस हरकत से संबंधों में दरार पड़ गई, अगर हमें वापस उनसे संबंध बनाने हैं तो तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। मांग लूंगा, माँ की बात मानकर मैं आपसे माफी मांग लूंगा, लेकिन उस आदमी से माफी नहीं मांगूंगा। क्या कहा मामा जी? तुम्हारी इज्जत चली जाएगी ना, इज्जत चली जाएगी है ना, मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं। देखकर नहीं चल सकती क्या? जानबूझकर टकराई थी, अपने गांव की लड़कियों को छोड़कर बाहर की लड़कियों को लाइन मारते हो। अपनी बकवास बनकर जाकर मीना को बताती हूँ। देखा मीना के नाम से डर गया ना। मैं भी खूबसूरत हूँ, मुझसे टकराओगी? हाथ हटाओ, क्या कर रहे हो, हाथ हटाओ ना। तो उससे टकराई थी ना, चल मुझसे टकरा। हाथ हटाओ अपना, जोर से नहीं धीरे से, धीरे से टकराओ। मैं कह रही हूँ हाथ हटाओ, उधर देख, हाथ हटाओ, छोड़ो मुझे जाने दो, हाथ हटाओ अपना, छोड़ो मुझे। भाई साहब ये हमारे गांव की लड़की है, छोड़ दीजिए, ये चाहे कहीं की भी हो एक बार टकराने को बोलो। हाथ हटा। नहीं हटाऊंगा तो हाथ तोड़ दूंगा। शांति तुम घर जाओ।
कौन से गांव की हो? बेलापुर की। किस गांव की है तो? बेलापुर की। किस गांव की है तो? सतारा की। ए! छोड़ो, छोड़ो। तूने कहा था ना मेरे गांव की लड़की को छुएगा तो हाथ तोड़ दूंगा। छोड़ो ना, छोड़ दो, छोड़ो। यहाँ देख, 15 लड़कियाँ, हाथ तोड़ के दिखा। छोड़ो, देख क्या रहा है, तोड़ ना। नहीं कुमार, गांव उसका है, सब उसका साथ देंगे। माँ का दूध पिया है तो तोड़ के दिखा। मेरी बात तो सुनो, मैंने झगड़ा नहीं किया था, वो लोग मुझसे झगड़ा करना चाहते थे। मैं उसके बारे में नहीं पूछ रही। कौन है वो? कौन? जिसने तुम्हें कल मार्केट में धक्का दिया था। ये क्यों पूछ रही हो? उसकी इतनी हिम्मत के तुम्हें धक्का दिया? पहले बताओ कौन थी। नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? सुनो 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 सुनो, कोई भी धक्का मारता है तो दर्द होता है ना? होता है। लेकिन जब उसने धक्का मारा था तो लगा जैसे हवा का झोंका टकराया, फूल से फूल मिला हो, सांसों से सांस मिली हो। वो एहसास मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ। मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। मुझे क्यों मार रही हो तुम? क्या करूं? मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ कर रहे हो। वो मुझसे टकराई तो बहुत मजा आया था, बस यही तो कहा था। मुझसे भी अच्छी तरह से टकराई थी। तुम ऐसा नहीं कह सकती हो, वो तो एक कला है। देखना है तुम्हें? कहा ना तुम नहीं कर सकती। देखो। अरे बाप रे, ये कोई टकराना वकराना नहीं होता। नहीं नहीं, अब अरे रे, कहा ना तुमसे नहीं होगा ये सब। जाओ अब देखना। मैंने तो नई चप्पल पहनी है। मंदिर है। आरती ले लो बेटा। अरे नजर हटते ही गायब हो गई। अरे पापियों, पूजा करके आओ, इससे पहले ही तुम लोग चप्पल चुरा के ले गए। ऐसे आजादी मिले हुए 64 साल हो गए लेकिन अभी भी चप्पल नहीं चुरा के ले आओ दादा। क्यों रे, आजादी से पहले कभी चप्पल चोरी नहीं हुई? आजादी के बाद ही चोरी हो रही है। सब लोगों को सिर्फ एक ही बहाना मिलता है, बीवी गुम हो गई तो आजादी, बकरी गुम हो गई तो आजादी, गाय गुम हो गई तो भी आजादी। हर चीज का आरोप आजादी पर लगाओगे। आइंदा कभी ऐसा मत बोलना। दादा, इस गाल पे मारा तो ये सही है, लेकिन इस गाल पे क्यों मारा मुझे? हमें आजादी मिले हुए 66 साल हो गए हैं। अच्छा, किससे पूछकर तू 64 साल बोल रहा था? बाप, और तूने 2 साल कम करके क्यों बोला? मुझे पागल समझ रखा है क्या? शांत हो जा, शांत हो जा दादा, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे मुझसे गलती हो गई। जय हिंद। अरे जय हिंद बोल रहा हूँ, फिर भी क्यों मार रहा हूँ? क्या रे, जय हिंद बोलते समय कैसे खड़े होते हैं पता? कैसे? दूसरों की चप्पल पे पैर रखते हैं। चल हटा। ये भी देख लिया क्या? आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर बैठिए ना। हम बैठने के लिए नहीं आए हैं, एक समस्या के समाधान के लिए आए हैं। बहन जी, हम आपके परिवार के विश्वासी लोग हैं,
इस गांव की खुशी के लिए बड़े मालिक का एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बेटा सही नहीं है, जहां जाता है लड़ाई करके आता है, इसकी वजह से पूरे गांव वालों को बहुत कुछ सहना पड़ता है। ठीक है, अब ये नई समस्या क्या है? कल कुमार ने बाजार में मारपीट की थी, उस गांव के लोग यहाँ मारपीट करने के लिए आ रहे हैं। अगर कुमार माफी मांगेगा तो समाधान हो जाएगा। अरे हटो, अपना कुमार क्यों माफी मांगेगा? वो माफी नहीं मांगेगा। वो नहीं मांगेगा तो माँ से कहो। ए, मेरी माँ इसे क्यों माफी मांगेगी? मैंने मारा था ना, तो मैं माफी मांगूंगा। मेरे माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी ना, तो जाओ मैं माफी मांग लूंगा। अब चलो जाओ। चलो चलो भाई, चलो अपना करते रहता है। माँ उठो ना। माँ माँ मैं फालतू में मारपीट नहीं करता हूँ माँ। उस दिन पत्नी को धोखा देने वाले को मैंने मारा था, आज उसने लड़की का हाथ पकड़ा इसलिए मैंने मारा, लेकिन गांव वालों को तो ये गलत लग रहा है। आइंदा मैं किसी को नहीं मारूंगा, कसम खा के कह रहा हूँ। अगर दोबारा मेरी कोई शिकायत आई तो मुझे घर से बाहर निकाल देना। अब तो उठो माँ, इधर देखो, आज से तुम्हारी एक लड़की नहीं दो लड़कियां हैं ऐसा समझ लो, मुझे भी अपनी लड़की समझ लो। मैं किसी को नहीं मारूंगा। तूने मारा ये बुरा नहीं लग रहा, पर तू माफी मांगेगा ये बुरा है। मैंने गलती की है ये सोचकर मैं माफी नहीं मांग रहा हूँ। गांव वाले तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहे थे, इसलिए माफी मांग रहा हूँ। तुम्हारी बेइज्जती मैं सह नहीं सकता हूँ माँ। मारपीट करना फिर माफी मांगना? नहीं माँ, अब मारपीट नहीं करूंगा। क्यों रे? हाँ भाई, वो लड़की मेरे लायक है ना? हाँ बिल्कुल लायक है, महालक्ष्मी की तरह। महालक्ष्मी को तूने कहाँ देखा? फिल्म में देखा साहब। मेरे लायक हुई तो नदी के किनारे 2 एकड़ जमीन तेरी, नहीं तो उसी नदी में तेरे को बहा दूंगा। आपके ही लायक है साहब। तो गाड़ी जल्दी चला। अब क्या हुआ? बैटरी खराब हो गई है साहब। सुबह चेक करनी चाहिए थी ना? थोड़ा धक्का मारने पे स्टार्ट हो जाएगी। तो उतर के धक्का मार। ठीक है साहब। ये हाफ साड़ी अच्छी लग रही है ना? निकाल दे इसे, ये पहन लेगी। ज्यादा बकवास बंद कर, चलो चुपचाप। कुछ भी बोल रहे हो तो चलो। सुनो, गाड़ी को धक्का लगाओ ना जरा। चलो सब मदद करो। ये गाड़ी कहाँ की है? देलापुर की। कहाँ जा रहे हो? साहब लड़की देखने आए हैं। लड़की देखने? कहाँ है तुम्हारे साहब? गाड़ी में बैठे हैं। गाड़ी में बैठे? कहाँ है? अपनी शक्ल दिखाने को कहो। मेरी बात सुनो, देखो तुम में शादी करने की हिम्मत है ना, फिर गाड़ी को धक्का क्यों नहीं लगा रहे हो? खुद ही धक्का मारो, बड़े साहब बनते हो। चलो सब। Hey, ये वही लड़की है क्या? नहीं साहब। अब तो यही लड़की है। क्यों रे? हाँ भाई। हमसे कम है ना? हाँ भाई। तो यही करूंगा अपनी शादी। क्यों भाई वेलू जी, नागदा के रामास्वामी का बेटा शगुन का सामान लेकर तुम्हारे घर क्यों गया है? नागदा के रामास्वामी का बेटा? नमस्ते भाई। नमस्ते, मैं नागदा के रामास्वामी का बेटा हूँ। हाँ जानता हूँ। पिताजी 1 साल पहले गुजर गए और माँ भी हाल ही में 6 महीने पहले गुजर गई है। गांव वाले जिद कर रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। अब कलेक्टर एसपी जैसे बड़े लोग मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी सुंदर हो, और हमारी जाति में कोई सुंदर लड़की है ही नहीं।
तुम्हारी बेटी को देखा, बहुत सुंदर है। मुझे सिर्फ सुंदरता चाहिए, गुण नहीं चाहिए, उसको मैं नहीं पटलूंगा। भले ही मैं अमीर हूं लेकिन शादी अपने गांव में नहीं करूंगा, यही करूंगा। तुम सिर्फ कन्यादान करोगे, दहेज की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दे सकता हूं। कुल मिला के मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है। सिर्फ मैं ही बोल रहा हूं, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। सोच रहा हूं। इसमें क्या सोचना? शादी की तारीख के बारे में सोच रहा हूं। हाँ शादी कभी भी कर लेंगे लेकिन मंगनी आज होगी। पिताजी क्या समझते हैं, जिससे चाहे मंगनी तय कर देंगे, जिससे चाहे शादी करवा देंगे? एक बार पूछ भी नहीं सकते थे? क्यों पूछूं? तुझे कुमार से शादी करनी है जो खुद तो कमाता नहीं है, बाप की जायदाद उड़ा रहा है, वो गांव वालों से मारपीट वो करता है और बेइज्जती हमारी होती है, तो उससे शादी क्यों करवाऊं मैं? आप जितना सोच रहे हैं उतना बुरा नहीं है वो। वो क्या है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तेरी शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। मैंने जो फैसला किया है वो सही है, मैं जहां बोलूंगा तुम्हें वहां शादी करनी होगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, हम दोनों का परिवार एक ही है, रिश्तेदारी भी है, पैसों में भी कोई फर्क नहीं है, मन भी अलग नहीं है, फिर भी हमारे प्यार में ऐसी मुसीबतें आएंगी, कभी सोचा नहीं था। कौन सी मुसीबत, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी मंगनी हो गई इसलिए? पिताजी ने मंगनी कर दी है पर मैं शादी नहीं करूंगी, फिर तुम क्यों टेंशन लेते हो? पता है, प्यार का दर्द मुझे पता है, उसके छिनने का दर्द भी मुझे पता है, और वो भी जब प्यार बचपन का हो तो उसे भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात सुन लो, जब किसी लड़की की मंगनी हो जाती है तो वो आधी पत्नी हो जाती है। इसके साथ मेरी मंगनी हुई है और ये आधी रात को तुम्हारे साथ है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम घर जाओ। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, ये मेरा अधिकार है। छोड़ो, तुम नाराज मत हो, ये मेरी मंगेतर है। ए, मीना को अभी भगाकर मैं उससे शादी कर सकता हूं पर ये अच्छा नहीं लगेगा। उसने एक बात कही थी, उसका हक है, उसने कहा था, और वो भी मुझसे। उसने ऐसा कहा है कि शादी के मंडप में वो मीना के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, वही उसकी जीत होगी। कैसे पाला है तूने इसको? किसी के साथ मंगनी करने के बाद भी वो आधी रात को किसी और से मिलने जाती है, तूने पाला पोसा है ना, तूने ही भेजा था क्या? एक बात ध्यान से सुन लो, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती है वो इस घर के बाहर कदम नहीं रखेगी, समझ गई? ए मीना, क्या हो गया? ए रो क्यों रही हो? देखो रो मत, मुझ पर भरोसा है ना? देखो मीना, तुम चाहती हो ना कि मैं ही तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाऊं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं चुप बैठा रहूंगा? मेरी बात सुनो, शादी का मंडप तो वो बनवाएगा लेकिन शादी तुमसे मैं करूंगा, हिम्मत रखो। कुमार, तुम मेरे रिश्तेदार हो इसलिए तुमसे प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हारी हिम्मत देख कर प्यार किया था, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। Thank you.
दोबारा ऐसा किया तो जान से मार दूंगा तुझे। क्या देख रहा है भाई? उसने क्या गलती की थी जो इतनी? कोई गलती नहीं की थी। कल मैंने उसे देखा था, कुमार से बात कर रही थी, वो भी रात को। वो उससे इतनी इतनी छोटी थी तब से प्यार करती है। वो नहीं छोड़ेगा, वो आसानी से शादी नहीं होने देगा। आएगा वो, शादी में जरूर आएगा, और अगर वह आए तो जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसकी गर्दन काट देना। ये ले, देख, तेरी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, हम उसे पकड़कर सबक सिखाएंगे। इसकी जरूरत नहीं है, कुमार जिसे शादी कर रहा था उसे रामास्वामी का बेटा शादी कर रहा है, अगर वो कुछ करेगा तो उसके हाथों मार खाएगा। कुमार का मार खाना ही काफी नहीं है, उसे मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम शादी करवाओगे या फिर मारपीट करवाओगे? ए, क्या बात कर रहे हो तुम? देखो, तुम्हारी बेटी बालिग हुई, उसका जश्न उसने धूमधाम से मनाया, तो क्या वो मीना की शादी किसी और से होने देगा? वो ऐसा ही है, और तुम्हारा होने वाला दामाद वो भी उसका विरोध करने पर पूरा गांव जला सकता है। तो शादी के मंडप में दोनों के लड़ाई करने का इंतजाम कर लेना। तुम्हें लगता है सब आसानी से हो जाएगा? शादी के मंडप पे खून बहेगा खून। ए, काली जबान बंद रखा कर। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की शादी शांति से करनी है ना, तो उस कुमार को शादी के मंडप में आने मत देना। ए, मेरी किताब मत छूना, छुआ तो मारूंगी। हाँ, आइए मामा जी बैठिए, मैं माँ को बुला कर लाती हूँ। चल। लक्ष्मी, मेरी बेटी की शादी तय हो गई है। मामा के घर पे नहीं बताया तो गलत होगा, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए बताने चला आया। मामा के घर में लड़का होते हुए भी बाहर लड़की देना गलत है, ये किसी ने नहीं बताया तुम्हें? उनके मरने के बाद इस घर में कोई भी फैसला आपको बिना बताए नहीं लिया। आपका परिवार और मेरा परिवार अलग है, ऐसा कभी नहीं सोचा। फिर मीना की शादी कहीं और क्यों तय किया आपने? अब नागदा के रामस्वामी के घर से रिश्ता है तो कोई कैसे मना कर सकता है, बताओ? कुमार और मीना बहुत छोटे थे तब हमने उन दोनों की शादी का फैसला किया था। बचपन में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन उसके बड़े होने के बाद उसके अच्छे भविष्य के लिए मुझे लड़का देखने की जरूरत पड़ गई। क्यों, मेरे बेटे में क्या कमी है? बड़े लोगों को इज्जत नहीं देता, ये कमी है। कोई कमाई धमाई नहीं करता, ये कमी है उसमें। और सिर्फ यही नहीं, शादी करने के बाद घर चलाने के लिए औकात चाहिए। भाई साहब, औकात की बातें आप मत कीजिए। मैं कभी इस घर का नौकर था, इसलिए बोल रही हो ना तुम? आज इस घर का दामाद बन के नहीं आया हूँ, नागदा के रामास्वामी का समधी बन के आया हूँ। जाता हूँ। पहले ये घर पैसे वाला माना जाता था, पर अब नहीं। पहले इस घर की इज्जत भी थी, पर अब नहीं है। अगर थोड़ी भी इज्जत बची हो तो तुम अपने बेटे को मेरी बेटी की शादी में किसी भी कीमत पर मत भेजना। तुम यहां क्यों खड़ी हो मां? मीना की शादी है, पता है ना? पता है मां। तूने क्या फैसला किया है? मैंने मीना से कहा था कि मैं शादी के दिन उसे वहां से ले जाऊंगा, इसलिए। इसलिए क्या? उसे ले आऊंगा मां। तुझे पता है मैंने क्या सोचा है? क्या सोचा है मां? तू मीना को हमेशा के लिए भूल जा मां। हां बेटा, आज से हमारा उनके परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मेरे मरने के बाद भी उन्हें मत बुलाना। ये तुम क्या कह रही हो मां? मीना के पिताजी यहां आए थे, अगर हमारी थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो उनकी बेटी की शादी में कोई न जाए, ये बोलकर गए हैं। हमें साबित करना होगा
कि इस परिवार की सिर्फ इज्जत ही नहीं है, इसके अलावा मान मर्यादा सम्मान सब कुछ है। माँ, मैं मीना को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। मैं भी उसे बहुत पसंद करती हूँ। मीना इस घर की बहू बनेगी और उससे हमारा परिवार आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तुम्हारी या मेरी इच्छा जरूरी नहीं, जरूरी है इस घर की इज्जत। माँ, मैं वहाँ पर जरूर आऊंगा, ये सोचकर वो इंतजार करेगी। माँ, अगर मैं नहीं गया तो वो मर जाएगी, यही ना? तूने इस घर के बाहर कदम रखा तो मैं मर जाऊंगी, वो भी पता है कैसे? इस घर का गौरव मर्यादा सब मेरी वजह से गया है, इस सदमे से मैं अपनी जान दे दूंगी। माँ, आप शादी की बात पर ऐसा मत कहो। माँ, मीना मेरे भरोसे पर है। तो क्या तू उसे नहीं भूल सकता, यही ना? हम सबसे वो तेरे लिए ज्यादा जरूरी है, हमसे ज्यादा तुझे उसकी जरूरत है ना? पता है मुझे, बेटा बड़ा होने के बाद वो किसी लड़की से शादी करके माँ बाप को छोड़कर चला जाता है, ऐसा सब कहते हैं। पर मैंने सोचा था तू ऐसा नहीं करेगा। तू जा, तूने भी औरों की तरह ही किया मेरे साथ, तेरा प्यार झूठा है। माँ, तुम कुछ भी बोलो लेकिन मेरा प्यार झूठा है, ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना। माँ, तू उसे भूल नहीं सकता तो तेरा प्यार झूठा ही है बेटा। मतलब मैं उसे भूल जाऊं तो मेरा प्यार सच्चा है, यही ना? मैं उससे शादी ना करूं तो हमारे परिवार की इज्जत बच जाएगी, यही ना? तो मैं उसे भूल जाऊंगा माँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुझे यहाँ से ले जाएगा ये आसान बात नहीं है, मेरी बात मान, तो कुमार के घर चली जा, हम सब संभाल लेंगे। मैं क्यों भाग जाऊँ? मेरा कुमार नामर्द नहीं है, हजारों लोगों के सामने वो मुझे मंगलसूत्र पहनाकर यहाँ से ले जाएगा। पहले मेरे गाल पर काला टीका लगा क्योंकि मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। तुम क्यों आए हो? ऐसे ही मामा, आपके घर पर शादी है ना, ऐसी मजेदार शादी में खाना खाने के लिए आ गया था, सोचा अच्छा खाना मिलेगा। शादी में आए हो तो दूसरों की तरह मर्दों के साथ जाके बैठो, खाना खाने आया हो तो रसोई घर में जाओ, और तोहफा देने आया हो तो वो बैठा उसको दे दो। ये सब छोड़कर अगर लड़की के कमरे के आसपास दिखाई दिए तो टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगा, चल जा। खाना खा लूं ना? जा। सुनिए जी, वो दोनों कौन हैं? उनकी बात कर रही हो? एक कलेक्टर और एक एसपी है, दूल्हे के खास दोस्त हैं। हे, कलेक्टर और एसपी आए हैं, उनका ध्यान रखना। ठीक है, जा। हे, तू यहीं पे खड़ा रह, आप शुरू कीजिए। द्रुबंधे राजा वरुण, द्रुबंधे वम बृहस्पति, द्रुबंधे इंद्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं दारयदां द्रुवं त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पुष्पार्घ्यमिव मंगल्यसुवासनाय नमः। तर्कोपचारपूजां समर्पयामि, भक्त्युपचारपूजां समर्पयामि। इन लोगों को आशीर्वाद दे दो। Thank you.
क्या हुआ बेटी? मैं इससे शादी नहीं करूंगी। ये क्या कह रही है? मैं इससे शादी नहीं करूंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इससे शादी नहीं करूंगी। hey! शादी नहीं करूंगी ये मंगनी के वक्त बोलना चाहिए था। ये मत सोचना है कि तुम इस वक्त बोलोगी और मैं चुपचाप सहन करके चला जाऊंगा। कुछ भी हो ये शादी होकर रहेगी। चलो मेरे साथ। रुकिए, शांत हो जाइए, इसे समझाएंगे। लड़की अभी छोटी है, शादी दो दिन बाद भी हो सकती है। हमारे रहते ऐसा कुछ हुआ तो हमारी बदनामी होगी। चलो कम आओ, चलो आ जाओ, चलो। सूत्र नहीं पहना है ना, तो किसी और को भी नहीं पहनाने दूंगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। तूने मेरी बेइज्जती करवा दी। सुनिए जी, चल हट। अरे सुनिए जी, बचा क्या रहे उसे, छोड़ दीजिए। बचा, मुझे बचा कीजिए, हट जाओ सामने से, सब हट जाओ। सुनिए जी, ए तूने ऐसा क्यों किया? तूने उसे झूठी दिलासा क्यों दी? तूने उसे ऐसा क्यों कहा कि तू उसे वहां से लेने आएगा? तू उससे प्यार करता था ना? ए, तू क्यों चिल्ला रहा है? क्यों नहीं चिल्लाऊं? तुम्हारे लिए माँ और बहन ही खास है ना, उसके लिए तू खास है। तुम्हारे लिए परिवार ही सब कुछ है, तो उसके लिए तू सब कुछ है। तूने उसे धोखा क्यों दिया यार? तो उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है यार, तुझे क्या पता? वो अभी तक जिंदा है, लेकिन अब उसके पिताजी उसे अपने ही हाथों से मार देंगे। ए, ये क्या बोल रहा है तू? तू माँ हो गई ये सोचकर वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिर तक तुम वहां पहुंचे ही नहीं, इसीलिए उसने खुद ही शादी से मना कर दिया। नाराज होकर उसके पिताजी उसे मारते मारते घर तक ले गए। कुमार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, उसकी जान बचा लो कुमार, बचा लो। क्या सोच रहे हो? देखो मां, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैंने कहा था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मुझे वहां जाने दो मां। मैं अभी भी ये नहीं कह रहा कि मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन उसे बचाना जरूरी है। जाने दो ना मां मुझे। जरूर जा बेटा। सबके सामने शादी के लिए मना करके क्यों बेइज्जती की तूने मेरी? क्यों किया ऐसा तूने? बता, बच्चा, बता। तुझे तो मैं नहीं पिताजी, इस हाथों से मुझे मत मारी। इन हाथों से आपने मुझे खाना खिलाया है, इन हाथों से आपने मेरा हाथ पकड़कर चलना सिखाया है। इन हाथों से मत मारिए पिताजी, आप मरने के लिए कहेंगे तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपने हाथों से मुझे मत मारिए। मामा, मामा, मीना, मीना दरवाजा खोलो, मीना, मीना। क्यों आए हो? किस लिए आए हो? सोचा शादी हो गई होगी तो विदा करने के लिए आए हो, या फिर शादी नहीं करूंगी कहकर मर गई होगी तो अंतिम संस्कार करने आए हो? नहीं मीना, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, खुद से भी ज्यादा तुम पर भरोसा था। तुम्हारे रहते मुझे क्या खतरा हो सकता है ऐसा सोचती थी। पूरा गांव गुंडा कहता था, पर मैं बहादुर समझती थी, ऐसा सोचती थी मैं। हजारों लोगों के सामने मुझे अकेला छोड़कर अब क्यों आए हो? तुम मुझे वहां आकर नहीं ले गए तभी तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म हो गया ये सोच लिया था। दोबारा मुझसे कभी मत मिलना। Oh, my God.
तुमको पूरे गांव के मकान देखने थे ना, मैंने सब दिखा दिया ना। थैंक यू। मुझसे और कुछ चाहती हो क्या? हाँ, कोई बात नहीं, रखो रखो। अभी मैं हिंदी फिल्म देखना चाहती हूँ। हिंदी फिल्म देखना चाहती हो? दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। अभी चले क्या? फिल्म शुरू होते ही लाइट बंद हो जाएगी, थिएटर में अंधेरा हो जाएगा, उस दौरान मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर ही लूंगा। गो फॉलो मी। अरे डरो मत, सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म चल रही है इसीलिए भीड़ है, बट हमें टिकट की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थिएटर मेरे चाचा जी की है। यू नो चाचा जी, आई एम स्मॉल फादर। कम ऑन, हे ओपन गेट, बंद करो। ए चरणदास अंग्रेजन को फिल्म दिखाने गए। बहन 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 अंग्रेज बहन अंग्रेज आओ। ओ मैं दरवाजा खोलता हूँ। बहन गलती हो गई, अरे गलती हो गई, अरे मत मारो। अरे क्यों कर रही हो, क्यों कचरा कर रही हो मेरा? अरे सर फोड़ के चल गई अंग्रेजन। क्यों चरणदास, उसने तुम्हें मारा क्यों? ये मत पूछो भाई, उसने आकर मुझसे कहा पूरा गांव घुमा, तो मैंने घुमा दिया और उसने अपनी मर्जी से मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैंने सोचा मुझसे प्यार करती है, इसीलिए फिल्म दिखाने के लिए उसे ले गया। वहाँ मेरा पैर उसके पैर से टकराया, तब भी वो हंसी थी। फिर मैंने धीरे धीरे उसके घुटने को सहलाया, तब भी वो अंग्रेजन हंस रही थी। मैंने सोचा कि वो पट गई है, मैं पूरी तरह से उसके ऊपर चढ़ गया। उसके बाद वो हंसने वाली अंग्रेजन ने खींच कर गुस्सा के थप्पड़ जड़ दिया मेरे गाल पे। अब तो सुनाई भी नहीं दे रहा। अरे बेवकूफ, तू जहाँ चढ़ा था वो लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो खंभा था। लड़की तेरे बाजू में खड़ी होकर हंस रही थी। अच्छा, ये सब तुझे कैसे पता? क्योंकि पिछले हफ्ते मैं उसे फिल्म दिखाने ले गया था। तेरी एक माँ को बेटी पैदा करने में जितनी तकलीफ होती है, उससे ज्यादा होती है उसके बाप को उसकी शादी करवाने में। ये सब जाने बिना ही तूने शादी से मना कर दिया, तू पागल हो गई है क्या? ए, तू अपना मुंह बंद कर। सुन बेटी, मैं तेरा दर्द समझती हूँ। लड़कियों के भी कुछ सपने होते हैं, लेकिन उसके सपने पूरे होंगे ये कोई नहीं कह सकता। बहुत कम लड़कियाँ अपने सपने पूरे कर पाती हैं बेटी, ज्यादातर नहीं कर पाती। लेकिन कुछ लड़कियाँ समझती ही नहीं कि हम खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। तुम्हें क्या पता हम कैसे अपना जीवन काट रहे हैं। दुआ करते हैं तुझे मनपसंद जीवन साथी मिले। मीना, मीना, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो मीना। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, मैं एक धोखेबाज से बात नहीं करना चाहती। मैं बात करने नहीं आया हूँ, मुझे भूल जाना ये कहने आया हूँ। ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन मेरा परिवार मेरे बिना नहीं जी सकता। उनके लिए मुझे जीना होगा। मैं तुमसे शादी करके तुम्हें यह गांव छोड़कर कहीं और ले जा सकता हूँ, तो क्या वो जिंदगी सही होगी? सब लोगों को रुलाकर मैं खुश नहीं रह सकता मीना। मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ मीना, अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुम अपने परिवार को रुलाकर खुशी से जी सकती हो? मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता था, जो हमारी किस्मत में नहीं है, लेकिन यादों के साथ जीऊंगा, पर तुम्हारे साथ नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए, इसलिए तुम्हारे पिताजी जिससे कहे उससे शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रह पाऊंगा। अपनी माँ की वजह से उसने तुझसे शादी करने से मना किया था। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? कविता बुला रही है। पीछे वाले दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। क्यों आंटी? मैं आपके बेटे से शादी करके आगे के दरवाजे से दाया पैर अंदर रखने वाली थी। शुभ काम आगे के दरवाजे से ही होते हैं। अब मुझे पीछे के दरवाजे से क्यों बुला रही हो? क्या मुझसे नाराज हो? आपने कुमार को क्यों रोका? क्या मुझसे अच्छी बहू आपको मिलेगी? बताओ आपको क्या पसंद है क्या नहीं है? कब नाराज हो जाती हो, कब खुश होती हो, ये मुझसे ज्यादा कोई जानता है क्या? फिर ये नापसंदगी का कारण क्या है? मैंने तुम्हें अंदर बुलाया, क्यों नहीं आई? स्वाभिमान ना, उसी स्वाभिमान की वजह से मैं तुम्हारी शादी में नहीं आई। तुम्हारे पिता ने कहा था
अगर हमें स्वाभिमान है तो हमारे घर पर मत आना। कोई भी इंसान अपनी खुशियों को भुलाकर परिवार की इज्जत बचाना चाहेगा। मेरे बेटे ने भी वही किया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरे बेटे के साथ शादी करना चाहती हो और मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहता है और मैं भी चाहती हूँ तुम इस घर की बहू बनकर आओ। ये सब तुम्हारे पिता के हाथ में। लो भाई मेरी जोड़ी बन गई। खेल में तो तुमने जोड़ी बना ली लेकिन घर में बैठी लड़की के लिए अच्छी जोड़ी नहीं बना पाए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी बीवी ने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। जब उसकी बात नहीं मानी उसने तो मेरी क्या बिसात है भाई। जब कोई लड़की अपने दिल में किसी को बसा लेती है तो अपने बाप की क्या, वो दुनिया में किसी की भी बात नहीं सुनती। ऐसे क्या देख रहे हो, सोच रहे हो कि इस उम्र में प्यार की बात कर रहा हूँ? प्यार करने के लिए जवान होना जरूरी है लेकिन प्यार की बात करने के लिए नहीं। मेरी बात सुनो, एक लड़की की जिंदगी पत्तों की तरह नहीं होती है, गलत जोड़ी कभी मत बनाना। मैं बना कर रहूंगा। क्या करेगा तू, लड़की को जान से मार देगा या फिर लड़के को मार सकता है लेकिन प्यार को तू कभी नहीं मिटा पाएगा। दुनिया में सब कुछ मिट जाएगा लेकिन प्यार नहीं मिटेगा। करना। मीना, अरे मीना मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? मेरा हाथ छोड़ो। अरे वो क्या है ना, इसी किताब में बच्चे पैदा कैसे होते हैं उसके बारे में अच्छे से लिखा हुआ है। क्या लिखा है? इस चेन को बाएं हाथ में लेकर ऐसे पकड़ो और दाएं हाथ की तरफ घूमे तो लड़का होगा और बाई तरफ घूमे तो लड़की। तो हम भी जान सकते हैं। अरे लड़का होगा। अब तुम करो ना। तुम करो या मैं करूं? एक नहीं, तुम करो ना प्लीज। ठीक है। लड़के के लिए वो हाथ है और लड़की के लिए? लड़की के लिए पेट पर। ए, झूठ बोल रहे हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा, भरोसा नहीं है तो किताब में पढ़ लो, जाओ। ठीक है। घूम रहा है। क्या हुआ? कुछ नहीं। चुप क्यों हो? क्या हुआ? वो मेरे लिए बाईं तरफ घूमा था लेकिन तुम्हारे लिए दाईं तरफ घूमा, इसलिए। इसलिए क्या, मेरी शादी किसी और से हो जाएगी ये सोच रहे हो? तुम्हारे सिवा मुझे और कोई छू भी नहीं सकता। कोई भी माँ अपने बेटे की शादी करवाने की इच्छा रखती है पर मैंने तो तुम्हारी शादी रुकवा दी। नहीं माँ, तुमने मेरी शादी नहीं रोकी है, तुमने तो परिवार की इज्जत बचाई है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। लेकिन
तुम्हारी शादी। मैं भी शादी के बारे में ही सोच रहा हूँ, अपनी बहन की शादी के बारे में। ये देख, अभी भी घाव है, एक घाव यहां भी है। गांव वालों के कारण उस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैं भूला नहीं हूं, इतनी आसानी से भूलूंगा भी नहीं। एक बात याद रखना, चाहे कोई भी कारण हो तुम मेरे गांव में दोबारा मत आना। अगर आ गए तो यहां से तुम्हारी लाश वापस जाएगी या फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मां ये देखो लड़की की फोटो, लड़का पसंद है ना? लड़का तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। माँ जी, दुनिया में आज के डेट में सिर्फ 7 सुंदर लड़के हैं और उसमें से 2 अपने भारत में हैं। एक ये है और एक मैं हूँ। अरे रे रे, तुझे तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, चल तू नंबर 3। माँ जी, इस लड़के को ढूंढने के लिए हमने कितनी मेहनत की है ये मैं बता नहीं सकता। वाह 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 वाह, अब आपको क्या बताऊं? अगर आपने जल्दी से जल्दी रिश्ता पक्का कर दिया ना, तो दुनिया के 3 खूबसूरत लड़के एक साथ एक घर में दिखेंगे और आपका नाम हो जाएगा, आपका नाम गिनीज बुक में आ जाएगा। ये पैर पे लात मारना छोड़ दे, 10 लाख का बीमा करवाना पड़ेगा। अबे चुप रहे। माँ तुम बताओ शादी कब करनी है? पागल किंगा, शादी तो करवा देंगे बेटे, पर तुम्हारी बहन को भी तो पसंद होना चाहिए ना। वो क्यों मना करेगी? उससे शादी करने वाला लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, पैसे वाला और सुंदर भी होना चाहिए। अगर ये सारी बातें इसमें है तो उसे फोटो दिखा दे। ए कविता, ए रुको, ये फोटो देखकर बताओ कि लड़का पसंद है। मैं नहीं देखूंगी। ए देखकर बताना। हां ना, नहीं देखूंगी। कविता, लड़का ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए कहती रहती हो, और जब फोटो दिखा रहे तो फोटो नहीं देख रहे। नहीं देख रहा है ये, नहीं देखने वाली लड़की जात है ना, शर्म आ रही होगी, फोटो रख दे बाद में देख लेगी। जब मैं दिखा रहा था तब नहीं देखा, और अकेले में फोटो देख रही हो, हाँ चोरनी कहीं की। कविता 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 रुको तो। इधर आओ ना। अब तुम जाओ, मुझे देर होगी। क्या यार, कितनी देर लगा दी आने में। भैया सोए नहीं तो मैं कैसे आ सकता था। सुनो, तुम एक दिन नहीं आते हो तो मुझे नींद नहीं आती। ए, नाटक बंद कर, तू तो मेरे साथ पैसे के लिए सोती है ना। ए, अगर मुझे पैसे का लालच होता तो तुझसे नहीं तेरे भाई को पटाती। पटना चाहिए ना। तुम भी ना, पैसा बड़ा नहीं मन बड़ा होना चाहिए। सुनो, तुम्हारे भैया पूरे गांव को लेकर शादी करने के लिए गए थे, पर उस लड़की ने मना कर दिया। क्यों, उस लड़की को तुम्हारे भाई पसंद नहीं आए? शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, भैया को लड़की नहीं मिलेगी? ये बात नहीं है, शादी के मंडप से लड़की उठकर चली जाए तो उस लड़की की दोबारा शादी नहीं होती ऐसा कहते हैं। ये बात सिर्फ लड़की के लिए नहीं है, लड़के के लिए भी है। शादी के मंडप से लड़की चली जाए तो लड़के में कोई कमी होगी ये सोचकर कोई भी लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। अब तुम्हारे भैया अपनी औकात में रहे। नौकरानी हो फिर भी तुम्हारे साथ बिस्तर पर सोती हूँ ना। इससे शादी नहीं करूंगी। नहीं, 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 नहीं।
क्या देख रहे हो भाई? कुछ भी नहीं है, मैं शादी करने गया था और अकेला आया, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। मुझे बुरा लगा इसलिए यहां आया हूं। जब तक आप लोग उस लड़की को समझाकर मेरे साथ नहीं भेजेंगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वहां उस घर में रहूंगा। जिला बिलापुर के तालिका पाटन के स्वर्गीय अरुण गिरी की बेटी कविता की सतारा जिले के कोराई गांव के चिन्ना के बेटे सत्यनारायण के साथ शादी तय की जाती है। सभी की अनुमति से मंगनी की जाए। अब आप भी दीजिए, ले लो बेटे। मुझे भी चाहिए। इन्हें उस कोने में बिठा कर खाना खिलाओ। साहब जी, साहब आप क्या कह रहे हैं? झूठा खाना खाने वाले हम लोग? हमें आप बिठा कर खाना खिलाने को कह रहे हैं? आप 100 साल जिए साहब। बिठा कर खिलाने को कहा है, लेकिन फिर भी कोने में बिठाने के लिए कहा है ना। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? आप सब लोग नहा धोकर आ जाइए, मेरे घर पे मैं आपको खाना खिलाऊंगा। आप सच कह रहे हो साहब? मेरी बहन की शादी में आइए, मेहमानों की तरह खाना खिलाऊंगा। पिताजी के सर पर कितने सफेद बाल हैं। बहुत प्यार से पाला है ना। उस रोज मेरी बेटी ने आपकी बहुत बेइज्जती की। छी छी, कोई बात नहीं है। मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ। क्या फायदा, वो कुछ उल्टा सीधा बोल देगी। मत कीजिए आप। मैं संभाल लूंगा ना, वंदर है। कोई गलती नहीं है। कोई भी लड़की किसी से सच्चा प्यार करती है तो किसी और को नहीं अपनाती, वो भी तुम्हारे जैसी सुशील लड़की। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। वो क्या है कि शादी के मंडप में मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी ना, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया था। मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना कि तुम कुमार से इतना प्यार करती हो, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूं। तुम अच्छी तरह सोच लो, आज सोचो, कल सोचो, एक हफ्ता सोचो, एक महीना सोचो, एक साल सोचो, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम्हारा फैसला मेरे हक में होना चाहिए। ठीक हो ना, खाना खा कर जाना, जितना दहेज दे रहे सब देख कर जाना। तू चुप नहीं रह सकता क्या? चल अंदर जाकर सबको खाना खिला। जाना जरूरी है। जाना, तुझे मेरा यहाँ खड़ा रहना पसंद नहीं है। जानो। नमस्ते, आइए। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। उस दिन कचरे में फेंका हुआ खाना खा रहे थे ना, नहीं पहचाना साहब? आपने कहा था ना कि नहा धोकर आएंगे तो आपकी बहन की शादी में खाना खिलाएंगे, इसलिए खिलाऊंगा, खिलाऊंगा। अंदर जाकर बैठिए। हमारी भाषा में मत बोलो, समझ के तो लोग चुप रहो, आराम से बैठो, सबको खाना मिलेगा। चलो चलो चलो, आराम से आराम से। आवाहयामे आसनम समर्पयामे पादयोः पाद्यं समर्पयामे अर्घ्यं समर्पयामे स्नापयामे स्नानानन्तरं आत्मनीयं समर्पयामे वस्त्रार्थम् उपवीतार्थम् मैं बिन बुलाए शादी में नहीं जाता, लेकिन अपने गांव की शादी में जाता हूं। और अब मैं इस गांव का हो गया हूं, इसलिए क्या मैं अंदर जा सकता हूं? अंदर चलिए। भाई मुहूर्त का टाइम हो गया है, चलिए। नारायण नमोस्तुते सर्वस्याप्ये सर्वस्य जित्ये सर्वमेव तेन आप्नोते
सर्वं जयते 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 ओम मंगलं गंगनाने नाम मम जीवन हेतुना कंडे वत्नामि सुभगे। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। क्या बात है ये तो बताइए। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। सुनिए, आपको क्या तकलीफ है मुझे बताइए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सब लोग देख रहे हैं, आप शादी कर लीजिए। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। कृपा करके मेरी बहन से शादी कर लीजिए। मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। रुक जाओ, वो वही बोलेगा जो मैंने कहा है। लगता है तुमने अपनी बहन के लिए बहुत मेहनत से लड़का ढूंढा है, इसीलिए इसे समझाने में बहुत तकलीफ हुई। क्यों रे, गुस्सा आ रहा है? इसी तरह इससे शादी नहीं करूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, इससे शादी नहीं करूंगी, वो बार बार बोलती रही, तब मुझे भी गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा था, बहुत गुस्सा आया था। तो उसके लिए मैं क्या करता, यही बोलना चाह रहा है ना? वो तुझसे प्यार करती है इसलिए उसने ऐसा बोला, तुम्हारे प्यार के कारण उसने मुझसे ऐसा बोला, तुम्हारे लिए वो पागल है इसलिए उसने ऐसा बोला। पर अब तुझे मारूंगा तो दर्द उसे होगा। क्या हुआ तुम्हें माँ? कुमार, मैंने तुम्हारे हाथ बांध कर रखे थे इसीलिए ये कुत्ते तुम पर भौंक रहे थे। मुझसे गलती हो गई बेटा, शेर हो तो दहाड़ना भी चाहिए, शेर है तो आप दहाड़। माँ, 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 अरे तुम लोग क्यों रो रहे हो? उस घर में शादी हो रही थी तो आपने जाने से मना कर दिया था, लेकिन आज उस घर में मौत हो गई है, फिर भी जाने से मना क्यों कर रहे हो आप? अगर उसकी मौत पे तुम लोग गए तो मेरी मौत पे पूरा गांव आएगा, ये फैसला तुम कर लो। लड़की ने तुमसे शादी करने से मना कर दिया तो बदले में तुमने कुमार की बहन की शादी रुकवा दी और इस सदमे से उसकी माँ की मौत हो गई। अरे ये मारने के लिए थोड़ी ना गए थे, नाराज थे इसीलिए गए थे, मौत हो गई इसमें इनकी क्या गलती है? ये कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ मौत हो गई और तुम बाहर वालों का साथ दे रहे हो? ये साथ देगा तो तुम क्या कर लोगे? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी एक आदत है, अगर नाखून टूट जाए तो मैं लोगों के हाथ तोड़ दिया करता हूं और वही मैंने किया है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इस तरह मौत हो जाए। उसे कह देना कि मुझे बुरा लग रहा है। Yeah!
अभी तुझे मार सकता हूं लेकिन मारूंगा नहीं और दोबारा कोई गलती की तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे मजबूर मत करना। कविता, ए, देखो रो मत, ए, तेरा भाई है ना तेरे लिए, हाँ, ए, कविता रो मत, ए, कविता, अरे मैं हूँ ना, कविता, रो मत, देखो, मेरी तरफ देखो ना, कविता, देखो, कविता, मेरी बेटी से शादी करने की जिद के कारण आपकी बेइज्जती हुई। मैं अपनी बेटी पर काबू नहीं रख सका इसलिए आपकी बेइज्जती हुई। अब बताइए कब करनी है शादी आपको? कल तक मुझे एक पत्नी की जरूरत थी इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था, विनती कर रहा था, पर आज वो बात नहीं है। उसने 20 सड़क पे मुझे मारा, सबके सामने मुझे मारा। अब मुकाबला उसका और मेरा है, तुम जाओ। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, जो जीते उससे शादी करा देना क्योंकि हारने वाले की मौत पक्की है। अरे रे, मैं भी अपनी बॉडी को डेवलप करके खूबसूरत बना रहा हूँ लेकिन इस बॉडी के लिए कोई बॉडी नहीं मिल रही है यार। लगता है मेरे नसीब में कोई डेड बॉडी ही लिखी है। लो बस भी आ गई, पिछले महीने गई थी इस महीने आई है, इसका आना क्या और जाना क्या। अरे ये तो बिना रुके आगे चली गई। अरे ये तो रुक गई, रिपेयर हो गई। वादे, आधी साइज की वापस एक अंग्रेजन आई है। उसकी बॉडी तो देख, मेरी बॉडी से बराबर मैच हो रही है। मैंने दादाजी को चुनौती दी थी और जरूर जीतूंगा। ए, चलो चलो तुम लोग एक काम करो, सीधा जाओ और उस लड़की से पंगा लेना शुरू कर दो और मैं आकर उसकी मदद करने का नाटक करूंगा। तुम सबको पीटूंगा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, उस लड़की के सामने मुझे कोई भी नहीं मारेगा ठीक है, नहीं तो वो लड़की मुझसे नहीं पटेगी। हाँ। समझे? हाँ। ओके, चलो 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 जल्दी जाओ। क्यों छोकरी नहीं आई हो क्या? हमारे साथ चलोगी तो पूरा शहर घुमाएंगे तुम्हें। कौन है आप लोग? Who are you? No, please, help, 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 चलो। ए चल। Oh my God! गलती हो गई, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हे, क्या समझ रखा है मुझे तुम लोगों ने? अमिताभ की कम से कम 200 फिल्में देख रखी है मैंने। तुमने मेरी इज्जत बचाई, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अरे बाप रे, कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये बात है तो ठीक है, मेरी भी एक इच्छा थी, एक विदेशी लड़की से शादी करके मन की इच्छा पूरी करूंगा। ओके चलो।
लो बेटा। खा ले बेटी। मुझे तेरी पसंद से ऐतराज नहीं है, तेरा जीवन अच्छे से बीते मैं यही चाहता हूँ, और कुछ नहीं। मैं भी यही चाहता हूँ कि तू खुशी से जिए। मैंने जो लड़का पसंद किया है उसके पास कितनी जायदाद है तुझे पता नहीं है। एक जमाने में मैं तुम्हारे मामा के घर पे एक मामूली सा नौकर था, और उस घर का नौकर होने के नाते मैं खुद को खुशकिस्मत समझता था। बिल्कुल वैसे ही घर से अब तेरे लिए रिश्ता आया है, वो बहुत अमीर है, मुझसे तेरा हाथ मांग रहा है, मुझे ससुर कहता है वो। अब खुद ही सोच, एक मामूली नौकर के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है बेटा। तू शादी से क्यों मना कर रही है? पिताजी, आपकी दी हुई दाल बहुत अच्छी है और आपके दिए हुए चावल भी अच्छे हैं, लेकिन आपने देखा हुआ लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है? माँ बाप की बात ना मानने वाली तू पहली लड़की है, इससे अच्छा तो तुम मर जा। सुधा, सुधा, ए सुधा, क्या है? दीदी कहाँ है? अंदर सो रही है। अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है, पूरे घर में देख लिया, कहीं नहीं है। माँ, दीदी घर पर नहीं है। मेरी बेटी मीना को कहीं देखा है आपने? मैंने देखा बहन जी, मैं जब कुएं के पास से गुजर रहा था तो मीना वहीं से जा रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम कहां जा रही हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया बहन जी। क्या वो कुएं के पास जा रही थी? कब देखा उसे? काफी देर हो गई है। हाँ? अभी तक तो मीना! हे भगवान! मेरी बेटी चली गई मुझे छोड़कर! हे भगवान! अरे क्या हुआ बहन? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? अरे पापी, क्या बक रही हो तुम? आपकी वजह से हुआ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा बोलो। रोज तुम्हारे ताने सुनकर तंग आकर मेरी बेटी ने खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने अपनी जान दे दी। तुम्हारी वजह से क्यों किया ऐसा? क्यों किया? कहाँ मेरी बेटी? कहाँ मेरी बेटी? सकी पिताजी, अब क्या सोच रहे हैं आप? उसने कहा ना वो नहीं मरेगी, आप खुद ही उसे धक्का क्यों नहीं दे देते? शादी करवाऊंगा उसकी, वो जिससे चाहती उसी से। दादाजी, हमें आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। ये लड़का कौन है? लड़का नहीं है दादाजी, लड़की है। मैंने इसे शादी कर ली है। शादी कर ली? ज्यादा चिल्ला मत दादाजी, प्यार अंधा होता है ना। साड़ी नहीं पहनी, बाल छोटे हैं, सुंदर भी नहीं है। ये इसके देश का स्टाइल है दादाजी। ये विदेशी लड़की बस में से उतरी, वहाँ पर चार गुंडे इसका पीछा करके रेप करना चाहते थे। तुरंत ही आपका पोता वहाँ पे पहुँच गया और अपने देश की मान मर्यादा बचाने के लिए उन चारों को मार भगाया दादाजी। चुप बेवकूफ, वो लोग जिस चीज के लिए इसके पीछे पड़े थे वही चीज करने के लिए तो तूने इसे बचाया। ले जाए दादाजी, वो लोग तो अपना काम करके भाग जाते ना, उसके बाद तो इस लड़की की जिंदगी खराब हो जाती। खराब हो जाती ना? ये कोई आम है क्या जो
खराब हो जाएगी। दादाजी, एक लड़की की इज्जत आम जैसी होती है। इसके देश के रिवाज के मुताबिक मैंने इसके हाथों में अपनी रिंग पहना दी और हमारे रिवाज के मुताबिक मैंने इसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। ये देखिए कैसा लग रहा है। ए पागल, अंग्रेज लोग वापस इस देश में ना आए इसलिए उन्हें भगाया था और तू एक क्रांतिवीर के घर से ले आया। दादाजी, आपने अंग्रेजों को भगाया था इसीलिए मैं एक अंग्रेज को लेकर आया हूँ। थूकूंगा। और कर भी कह सकते हो। सुनो बेटी, किससे प्यार करना चाहिए और किससे शादी करनी चाहिए इतनी अकल भी नहीं है तुम्हें। तुम इतनी गोरी हो और ये कोयले की तरह काला है, आखिर क्या सोचकर तूने इसके साथ शादी की? हमारे देश की ज्यादातर लड़कियां निग्रो से शादी करती है, ये लड़का उससे ज्यादा अच्छा है। लड़का? क्यों दादाजी, ये मुझे लड़का क्यों बोल रही है? अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। अच्छा हुआ बुड्ढा चला गया। लूजी, तुम क्या करोगी कैसे करोगी मैं नहीं जानता, बस मुझे जल्दी से एक बच्चा दे दो। मेरे दादाजी तो बड़े अजीब हैं, उन्होंने अंग्रेजों को भगाया था वैसे ही तुम्हें भी भगा देंगे, फिर मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लूजी, प्यार की कश्ती में गोते खाते हैं। वाह वाह, तननी ना ना, तननी ना ना, ना ना। तुम कौन हो और मेरी लूसी कहाँ है? लूसी नहीं और जूसी भी नहीं, मैं तुम्हारी आंटी की बहन विमला हूँ। दादाजी ने कहा था मुझे ऐसा भेस बनाकर तुमसे शादी करने के लिए। दादाजी, मुझे बेवकूफ बनाया? दादा, मुझे बुलाया क्या? आप अभी तक नहीं गए? तुम रूम के अंदर नहीं गए? अंदर जाकर क्या करूंगा? आपने मुझसे खेल खेलाया दादाजी, मैं किसी अंग्रेजन से शादी करके पूरी दुनिया घूमना चाहता था लेकिन आपने एक लोकल लड़की थमा दी है। तेरी आंटी की लड़की तेरे लिए लोकल है? क्यों रे? दूसरे शहर में जाने की औकात नहीं और तुझे दुनिया घूमनी है? ये बता तेरी उम्र क्या है और मेरी उम्र क्या है? तू मुझे चुनौती देगा? क्या कहा था, क्या कहा था तूने? मंगलसूत्र पहनाया है ये कहा था। पहनाते ही उसी समय तू बुरी तरह फंस गया था। चुपचाप इसके साथ जिंदगी बिता, तू अंदर जा। अब मैं सच में बाहर जा रहा हूँ। क्या अंदर बाहर कर रहे हो? मैं कोई खेल खेलने जा रहा हूँ क्या? जाना। मुँह क्या देख रही हो? चलो। मामा जी आइए ना, मामा जी बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, अंदर आइए मामा जी, आइए ना मामा जी। भैया देखिए तो मामा जी आए हैं। आइए मामा। मुझसे गलती हो गई, दोनों परिवारों को अलग कर दिया मैंने। ऐसा मत कहिए मामा। जो हुआ उसे भूलकर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे ना? ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी, माँ के बात तो आप ही हैं हमारे, आप जब भी कहेंगे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। दीदी तुम जो भी कर रही हो गलत है, एक बार कुमार से मिल लो तो सही। नहीं मुझे शर्म आ रही है। ए, देखो तो कैसे शर्म आ रही है। पर तू कुमार से क्यों नहीं मिल रही? क्यों, वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता? वो क्यों आएगा? वो एक मर्द है, तुमने कहा था ना अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना, मैं होता तो मुड़ कर भी नहीं देखता। चलो चलो चलो, अरे अरे चलो चलो, अरे चलो चलो, अरे चलो चलो चलो, हम लोग हैं ना, तुम भी चलो ना। क्यों, कुमार के लिए तो अकेली काफी नहीं है क्या? तकलीफ देकर मैं जबरदस्ती तुमसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, वो कुमार तुम्हारा रिश्तेदार है ना, और तुम्हारे पिताजी ने मुझसे भी वादा किया है, इसीलिए मेरा भी हक बनता है तुम पर। लेकिन चीज अगर एक हो तो वो चीज दो को नहीं मिल सकती, इसलिए फैसला करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाला तू कौन है? चिल्ला के मत बोल, मुझे पसंद नहीं। मैं तुम्हें लाया तो यहाँ हो पर पत्नी नहीं बनाया। आने दे उसे, वो तुझे बचाने आएगा ना? आएगा, सिर्फ मुझे बचाने के लिए नहीं, तुझे खत्म करने भी आएगा। हाँ।
सूरज डूबने में अभी 6 घंटे बचे हैं, तब तक वो आकर बचा ले गया तो तुम उसकी पत्नी बनोगी, नहीं बचा पाया तो आज रात मैं तुमसे शादी करूंगा, सुहाग रात मनाऊंगा। डरो मत, रात से पहले मैं तुम्हें छूंगा तक नहीं। ए, तू मीना से ना मिलके गलती कर रहा है। ए, मीना से मिलने के लिए मैं कितना तड़प रहा हूं पता है ना तुझे, लेकिन उसने कहा था कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, इसलिए मुझे अपनी शक्ल दिखाने में शर्म आ रही है। कौन हो आप? तुम्हारी प्रेमिका मीना हमारे भाई के कब्जे में है, अगर तुमने रात होने से पहले नहीं बचाया तो रात को हमारे भाई उसके साथ सुहागरात मनाएंगे। क्या बोला तू? सूरज डूबने से पहले। ए, उसके गांव में खपोली से होकर जाना पड़ेगा। वो किस लिए? तूने मार्केट में जैसे मारा था उस लड़के का गांव वहीं है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन जाना जरूरी है। रमेश क्या था, फिल्म देखने जाएंगे? ठीक है, जाएंगे, है ना? ए, देख तो कुमार की गाड़ी आ रही है, उसकी ये हिम्मत कि हमारे गांव में आ जाए। चल चल, मारता है साला को। यहाँ क्यों आया? शांत हो जाओ, मैं यहाँ पर एक काम से आया हूँ, वापस आऊंगा तब जो करना है कर लेना। क्या बोला रहे तू? चल जा, जा ना, तू भी जा। क्या सोच रहा है? जाने के लिए क्यों कह रहा हूं? हम दोनों के बीच में समस्या अपने अपने ईगो की है, वो कभी भी निपटा लेंगे, लेकिन ये समस्या तुम्हारी जिंदगी की है। जाओ, अपनी होने वाली बीवी को बचा लो, जाओ। तू भी साथ चलना। गलत नहीं, तेरे लिए एक का मरना। चल जा। माफ करना, मैंने तुझे छू लिया। Oh, my God.
मैं तुझे जान से मार सकता हूं लेकिन नहीं मारूंगा, क्योंकि शादी के मंडप पर जब कोई मना करता है तो कैसा लगता है ये मुझे पता है। उसी गुस्से के कारण तुमने ये सब शुरू किया था। नहीं, तुम भी अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो, इस खेल को यहीं खत्म कर दो। शादी मुबारक। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते तो ठीक है, लेकिन तुमने शादी के बारे में क्या सोचा है? सोचने वाला मैं कौन हूँ, सोचना तो कुमार को है। शादी तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन दो शादी होगी। दो शादियाँ? हाँ, दूसरी शादी मेरी बहन की। और लड़का कौन है? ये रमेश ही दूल्हा है। हाँ चाचा जी, ज्यादा पढ़े लिखे लड़कों से, ज्यादा पैसे वालों से ये लड़का कई अच्छा है। तुम्हें मैंने मारा था इसलिए तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, अब तुम्हारा सम्मान करने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें मंजूर है? कविता, क्या है जी? कुमार कहाँ चला गया? वो तो इस रूम में है। अरे इसमें तो बेटी है हमारी, दरवाजा खुलो जल्दी। अरे दरवाजा खोलो। अरे पिताजी बुला रहे हैं। अरे बाद में जाते हैं ना। अरे अब तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है? हाँ अभी शादी नहीं हुई है, ये सब गलत है। ये तुम कह रही हो? हाँ। जिस्म एक जान, हम तुम जाने जान, जिस्म कछो